सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है बछड़ियों के बारे में। हम जो अपनी बछड़ियों की छोटे काफ्स की डीहॉर्निंग करते हैं या जिसे हम डिसबर्डिंग बोलते हैं और आसान शब्दों में से कहा जाता है सिंग रोदन। पशुपालक भाइयों, अपने फार्म की ये दो बछड़ियाँ हैं जिसकी हमने डीहॉर्निंग कल ही की है, बड़े ही अच्छे तरीके से डीहॉर्निंग हुई है। दोस्तों, डीहॉर्निंग के काफी सारे मेथड होते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि डीहॉर्निंग के लिए सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है जो हम अपने फार्म पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ जरूरी बातें जो आपने डीहॉर्निंग करवाते वक्त ध्यान में रखनी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो काफी सारे भाइयों का यह कहना होता है कि जो डीहॉर्निंग होती है इसमें छोटे काफ को हार्स किया जाता है, उनको काफी पेन होता है। तो पशुपालक भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीहॉर्निंग करना डेयरी फार्मर की मजबूरी होता है। क्यों दोस्तों? भैंस में क्या होता है कि जो सींग होते हैं वो गोल शेप में होते हैं, राउंड होते हैं, बट गाय में ऐसा नहीं होता। जब गाय बड़ी होती है, बछड़ी बड़ी होती है, तो उसके जो सींग होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। खास करके अगर हम बात करें एचएफ नस्ल की, तो दोस्तों एचएफ नस्ल के जो सींग होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। ऐसे में आप देख पा रहे हैं इस तरीके से खुले रहेंगे, तो अगर उनके बहुत ही नुकीले सींग रहेंगे तो दोस्तों ऐसे में वो दूसरे एनिमल को जख्मी करेंगी। ये कारण होता है कि हम अपने एनिमल्स की बछड़ियों की डीहॉर्निंग करते हैं। पशुपालक भाइयों, ये दो बछड़ियां हैं जिनकी हमने डीहॉर्निंग की है। आप देख सकते हैं कि इनके जो डीहॉर्निंग के बाउंड हैं वो अच्छे तरीके से हील हो चुके हैं, और कल ही हमने इनकी डीहॉर्निंग की थी और आज दोस्तों इनके जो बाउंड हैं वो अच्छे तरीके से हील हो चुके हैं। पशुपालक भाइयों, इसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें मेजर कंसेप्ट होता है पशु की उम्र का। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाई पूछते हैं कि डीहॉर्निंग के लिए सही उम्र काफ की क्या होती है। दोस्तों, डीहॉर्निंग के लिए सबसे बढ़िया एज होती है 30 से 40 दिन। दोस्तों, अगर आप 2.5 या 3 महीने की बछड़ी की डीहॉर्निंग करते हैं, डीहॉर्निंग हो तो जाएगी, बट उसमें समस्या क्या आती है कि जो सींग होता है उसकी जो रूट होती है वो पक जाती है, वो बड़ी हो जाती है, सींग निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर 3 या 3.5 महीने की उम्र की बछड़ी की डीहॉर्निंग की जाती है तो दोस्तों जब वो बछड़ी बड़ी होती है तो उसके पूरी तरह से तो सींग नहीं निकलते, बट छोटे छोटे इतने इतने सींग निकलाते हैं। यही कारण होता है कि हम अपनी काफ की जो डीहॉर्निंग है वो करते हैं 30 से 40 दिन की उम्र में। अब दोस्तों, इसमें एक मेन चीज और क्या होती है कि बछड़ी को डीहॉर्निंग चाहे आप किसी भी मेथड से कर रहे हैं, चाहे आप वो जो लिक्विड आते हैं एसिडिक वो लिक्विड होते हैं, या कुछ टैबलेट्स आती हैं डीहॉर्निंग स्पेशल टैबलेट्स होती हैं, उनको अपने पशु के सींग वाली जगह पर के ऊपर रख दिया जाता है और उसको वो जला देती है, क्योंकि वो भी एक एसिड की फॉर्म होती है। अब दोस्तों, इसमें प्रोसीजर आपने क्या फॉलो करना होता है कि जब आप अपनी बछड़ी की डीहॉर्निंग करते हैं तो उस समय डीहॉर्निंग करने से तकरीबन 3.5 या 4 घंटे पहले आपने अपनी बछड़ी को कोई भी डाइट नहीं देनी है। दोस्तों, 30 से 40 दिन की जो बछड़ी होती है वो आराम से फीड और स्ट्रॉ का इंटेक लेना शुरू कर देती है, बट अगर आप अपनी बछड़ी को डीहॉर्निंग से 3-4 घंटे पहले कोई भी डाइट नहीं देंगे, फीड नहीं देंगे, खाली पेट में जो आप अपनी बछड़ी को एनेस्थीजिया देंगे बेहोश करने के लिए, वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ऐसे में अगर आपने अपनी बछड़ी को डाइट दे दिया तो एनेस्थीजिया की डोज आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, और दोस्तों ज़्यादा एनेस्थीजिया की डोज खतरनाक साबित हो सकती है। पशुपालक भाइयों, अब आपने इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि डीहॉर्निंग करते वक्त हम 2 जगह पर एनेस्थीजिया इस्तेमाल करते हैं। पहला इसकी स्किन में होता है जो इसको बेहोश करता है, दूसरा दोस्तों जो हॉर्न की जगह होती है, जो इसके सींग की जगह होती है, हम इस जगह पर भी एनेस्थीजिया इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर जगह है जहां पर सींग उगेगा या जहां पर हम डीहॉर्निंग करेंगे वो जगह अच्छे तरीके से सुन और हमारे काफ को पेन ना हो। दोस्तों, इस जगह पर
दोनों साइड हम अपनी बछड़ी के एनेस्थीजिया देते हैं और ये जो पर्टिकुलर जगह होती है ये अच्छे तरीके से सुन्न हो जाती है। ऐसे में आप किसी भी तरह से अगर डीहॉर्निंग करते हैं तो वो अपनी काफ को पेन नहीं होने देती है। अगर दोस्तों हम बात कर लें कि बेस्ट तरीका क्या होता है, बेस्ट मेथड क्या होता है डीहॉर्निंग करने के लिए, तो दोस्तों हम अपने फार्म पर आयरन रॉड से डीहॉर्निंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है कि अपनी बछड़ी के जो सींग हैं वो उगते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डीहॉर्निंग हैपन होती है। दोस्तों अगर आप किसी एसिडिक या जो डीहॉर्निंग स्पेशल टैबलेट्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं डीहॉर्निंग करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों हमारा उस एसिडिक लिक्विड के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर डीहॉर्निंग करने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो जब वो उसको डीहॉर्निंग की जगह पर रखेगा, सिंग पर रखेगा, तो कई बार वो उस एरिया को ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। दोस्तों इस प्रोसेस में हमने करना क्या होता है कि जो अपने पशु के सींग की रूट होती है हमने उसको बर्न करना होता है, उसको हमने ब्लॉक करना होता है। बट दोस्तों वो जब हम किसी केमिकल के मदद से करते हैं या किसी वो टैबलेट्स वगैरह की मदद से करते हैं तो वो कई बार उसमें ज़्यादा होल कर देती है और कई बार उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। बट दोस्तों जो हम आयरन रॉड से बछड़ियों की डीहॉर्निंग करते हैं उसमें वो उस जगह को अच्छी तरीके से निकाल देती है, और जब हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि डीहॉर्निंग कंप्लीट हो चुकी है तब हम उसे अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप एसिड से बछड़ी की डीहॉर्निंग करते हैं तो कई बार वो इसके जो सिरों की ब्रीक वेसल्स होती हैं उनको भी वो इफेक्ट कर देती हैं, क्योंकि दोस्तों तेजाब है और बछड़ी के सर पे जब आप उस तेजाब को रखेंगे तो वो ज़्यादा डीप जा सकती है। बट जो आयरन रॉड से डीहॉर्निंग हम करते हैं वो हमारे हाथ में होती है, और इसके अलावा हम दोस्तों उसको बार बार थोड़ा थोड़ा करके भी हम उसकी डीहॉर्निंग कर सकते हैं, जो कि हमारे पशु को हमारी काफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देती। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ में आपने और नोटिस करनी है कि चाहे आप डीहॉर्निंग आयरन रॉड से कर रहे हैं, उसको हीटअप करके, चाहे आप किसी एसिड वगैरह से कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि जो बछड़ी का हॉर्न का थोड़ा सा एरिया होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो हम बछड़ी का हॉर्न का एरिया होता है आपने ठीक उसी एरिया में ही दोस्तों वो डीहॉर्निंग को हैपन करवाना है। आप इस बछड़ी की देख सकते हैं बहुत ही थोड़ी जगह है जहाँ पर इसके डीहॉर्निंग की हुई है। दोस्तों जब हम ज़्यादा एरिया को कवर कर देते हैं या इसके साइड में जो नर्म स्किन होती है, सर की स्किन होती है, अगर उस पर हमारा आयरन रॉड लग जाता है या उस पर तेजाब या एसिड पड़ जाता है, जिस भी तरीके से आप डीहॉर्निंग कर रहे हैं, तो उससे अपने बछड़ी के सर में बाउंड हो जाता है। दोस्तों आप इस बछड़ी के भी देख सकते हैं बड़ी ही अच्छे तरीके से सिर्फ जितनी जितनी रूट होती है उतनी ही जगह पर इसको अप्लाई किया गया है, साइड इसमें कोई भी जख्म नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो सींग है सींग की रूट को ही इफेक्ट किया गया है, इसके साइड में थोड़ा सा भी स्किन पर वो जो रॉड है वो नहीं लगा है, और इसके इसके चलते बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। कल ही हमने इसकी डीहॉर्निंग की है और आज ही ये हील होना शुरू हो गया है। दोस्तों जब अपनी बछड़ी की डीहॉर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके ऊपर एक देसी नुस्खा अपना सकते हैं। दोस्तों आपने करना क्या है कि एक कंटेनर में, मैं आपको दिखा देता हूं, सरसों का तेल लेना है और उसमें आपने हल्दी मिक्स कर लेनी है। पशुपालक भाइयों ये बहुत ही एक बेस्ट तरीका होता है अपने एनिमल के वाउंड्स को ठीक करने का। पशुपालक भाइयों आपने सरसों का तेल और हल्दी को मिक्स करके डीहॉर्निंग होते ही आपने उसके सर के ऊपर उसको लगा देना है। पशुपालक भाइयों हल्दी के गुण आप सभी जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक होती है और बहुत ही हेल्प करती है हमारी बछड़ी को सींग को हील करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपने काफ के उस हॉर्न की जगह पर डिप करके, सरसों का तेल डिप करके उसको पाउडर हल्दी को उसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं, जैसा कि मैंने कर रखा है। पशुपालक भाइयों इससे क्या होता है कि इससे हल्दी की लेयर बन जाती है और उसके कारण हमारे काफ्स को जो मक्खियां वगैरह होती हैं वो तंग नहीं करती हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और मेक श्योर करें, डीहॉर्निंग करने के बाद आपके जो काफ हैं वो छत के नीचे होने चाहिए, उनके सर के ऊपर डीहॉर्निंग की जगह के ऊपर
पानी नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, बरसात का पानी भी नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी तरह से वो गीला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी बछड़ियों की जो डीहॉर्निंग की है इनको हमने इस केज में ही रखा हुआ है। अगर दोस्तों आप अपने काफ्स को खुला छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरे काफ डीहॉर्निंग वाली जगह को चाट देते हैं। दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है अगर डीहॉर्निंग की गई हुई जगह को कोई पशु चाट देता है तो उसमें एक तो स्वेलिंग आ जाएगी, दूसरा नंबर दोस्तों वो ऊपर से छिल जाएगा और जो जख्म है वो और ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है डीहॉर्निंग करते वक्त। हमने पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर कर लिया है डीहॉर्निंग का, पर फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।